नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। छह दिन पूर्व धनतेरस के दिन फैजाबाद शहर के हृदय स्थल चौक से चंद कदमों की दूरी पर दिन दिहाड़े हुई कपड़ा व्यापारी बलजीत सिंह छावड़ा की हत्या की वारदात को शहर के लोग भूल भी नहीं पाए थे कि सप्ताह भर के अंदर ही हत्या की एक और बड़ी वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत तेली टोला मोहल्ले में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घर के अंदर की परिस्थितियों को देखकर पुलिस आशंका जता रही है कि संभवतः चोरी के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के तेली टोला मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद उमेर 18 वर्ष का शव मंगलवार की सुबह घर में पड़ा हुआ पाया गया। मृतक की हत्या गला दबाकर की गई थी। वहीं घर में सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था। जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय मृतक के परिवार के अन्य सदस्य कानपुर गए हुए थे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष सिंह बघेल सहित अन्य अधिकारियों ने बेहद गहनता से मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इसलिए आशंका इस बात की है कि पिछले दरवाजे से अपराधी घर के अंदर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। मृत युवक फैजाबाद चौक क्षेत्र के कोठा पारची इलाके में प्लास्टिक की काकरी बेचने का कारोबार भी करता था। बताते चले कि बीते दिनों धनतेरस के दिन शहर के कपड़ा व्यवसायी बलजीत सिंह छाबड़ा की भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भतीजा गया जी, तो क्या पूरा प्रकरण कैसे क्या है? भतीजा आया घर में सो रहा था, हम लोग को मालूम भी नहीं, हम लोग के माँ बाप गए हैं बाहर कानपुर शादी में, सवेरे पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, बताना हम लोग आए, फिर 100 नंबर डायल किया तो पुलिस आई, उन्होंने देखा जाके बताने लगे मर चुका है। तो ये कितना पुराना मामला है ये कुछ पता था ना? ये सब तो मौके पुलिस आई। हाँ पुलिस आई। कितनी उम्र है उसकी? 15-16 साल की उम्र है। क्या नाम है? उमर। कैसे क्या हथियार से हुआ हत्या, कैसे हुआ? बता रहे हैं गला दबा के किया, तार वार से कोई चीज़ से वायर से। सब किसके ऊपर है ये तो हम लोग को क्या मालूम, हम लोग कटरिया में रहते हैं। दुश्मनी किसी से रही हो? ये सब उनके माँ बाप बता सकते हैं। आपका रिश्ता क्या है? हमारा भतीजा है। क्या नाम आपका है? मोहम्मद आसिफ। पुलिस को FIR किया आपने? हाँ सब हो गया। एक तेली टेला के मामला है, यहाँ पर एक हत्या हो गई है बच्चे की, इसमें आप गए थे मौके पर, क्या देखा आपने, कैसे क्या था? दरवाज़ा उसका अंदर से बंद था, लड़का जो है सर में उसके टावल से ढका था, पेट के बल लेटा पड़ा था, जाके देखा तो शरीर में चींटियाँ लगी थी, सामान बिखरा पड़ा था। ये तो जांच का विषय है, विवेचना होगी कि चोरी के आशय से आए थे या अन्य किसी आशय से आए थे। दरवाजा खुला था? विवेचना से है? दरवाजा खुला था? नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद था, निकले हैं किसी अन्य रास्ते से। अच्छा अच्छा। आज देवरा कोट रुदौली निवासी विजय कुमार पुत्र धनी राम अपने परिवार के साथ अयोध्या दर्शन को जा रहे थे कि बाईपास पर वाहन डिवाइडर से टकरा गया, जिससे विजय कुमार बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल लाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
आज मनरेगा मजदूर कल्याण समिति फैजाबाद ने तहसील के निकट स्थित तिकुनिया पार्क में साकेत गोट फार्मिंग के चेयरमैन हरीश पाठक व मालिक प्रताप नारायण पांडे के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया है। मनरेगा मजदूर कल्याण समिति के अध्यक्ष असरफी लाल वर्मा ने बताया कि साकेत गोट के मालिकों ने बकरी के खरीद में पैसा लगाकर दुगुना करने का आश्वासन देकर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और फिर कंपनी बंद कर सुहावल में काफी जमीन खरीद ली जो कि प्लॉटिंग करके बेची जा रही है, परंतु जिन लोगों ने बकरी खरीद के लिए पैसा जमा किया उनको पैसा नहीं लौटाया जा रहा और पैसा मांगने पर गाली गलौज की जा रही है व बाबा धमकी दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनपदें हैं और वहाँ के लोगों को पैसा का मामला है जी, तो अब आपका संगठन क्या करेगा? हमारा संगठन ये है कि हमारा संगठन की लड़ाई को अंतिम रूप तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा और जैसा कि अभी कल तहसीलदार ने मुझसे कहा कि आप तो खत्म कर दो अन्यथा लाठी चार्ज कराऊंगा, मैंने कहा लाठी चार्ज कराओ जेल भेज दो, लेकिन हम लोग जायज बात हमारी है जायज चीज है, जब तक कोई उसका निस्तारण नहीं होता या उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जेल जाए और दूसरी बात जो पल्टी कंपनी के नाम है उसको रोका जाए, तब तक रोका जाए कि जब तक हम लोगों का पैसा का भुगतान न हो जाए इन लोगों का पीड़ित लोगों का, तब तक हमारा आंदोलन ये अभी चलता रहे शांतपूर्वक ढंग से। आगे प्रशासन बात को नहीं सुनेगा तो हम लोग बैठक करके निर्णय करेंगे, तो हम लोग जो ये कंपनी मालिक हैं या बाबा हरीश जी पाठक जी हैं इनके मकान पर धावा बोलकर जो हमारे इन लोगों के पैसे से मकान बना है उस मकान पर कब्जा करने का काम ये था और कंपनी ने जो प्लान दिया था उसी प्लान को हम शेयर करते थे जनता के बीच में, पैसा देने के 3.5 साल में उन्होंने डबल देने का वादा किया था, जब लोगों का पैसा देने की बारी आई तो कंपनी बंद करके अपना फरार कर चल रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, आज देंगे कल देंगे यही करते थे। हम लोग बनारस तक गए, सीएमडी के घर गए, धरना प्रदर्शन अभी हम लोगों ने सब हर जगह अवगत कराए, DM को SSP को अवगत कराया गया, हम लोग शांतपूर्ण धरना के पर बैठे हैं कि हमारा पैसा दिलाया जाए या तो भाई हम लोग धरने को और आगे बढ़ेंगे यही चीज। तो यहाँ पर जो पैसे थे आपके कितने मेंबर थे? आपके कितने मेंबर थे टोटल? 22,000 थे। 22,000 जी। 22,000 में कितने को फायदा हुआ कितने नुकसान हुआ? सर कम से कम 1% नुकसान हुआ, 2% नुकसान हुआ, 1% लोग पेमेंट पाए शुरू में जो लगे तो उनकी पैसा दिया, मतलब स्टार्टिंग जिसको था उसको मिल गया पेमेंट मिला, स्टार्टिंग में दिया उसके बाद पैसा बंद कर दिया देना। फिर तो उनके खिलाफ आपने FIR किया? जी हाँ FIR हुआ है उनके नाम, FIR हुआ, पकड़े गए वैसे, मतलब फिर समझौता किए हम पैसा दे देंगे, ऐसे ही करते रहे पैसा, मतलब आप गुमराह करते रहे आज तक पैसा नहीं दिए। क्या मामला क्या था, कैसे क्या हुआ, क्यों पैसा मारा गया? कि वो सुखदेव जी लेके गए, हम लोग को दिखाए, हम लोग को पसंद आया, हम लोग जमा किए सर, अब उन लोग पैसा ले लिया, इन्होंने कहा कि 3 साल के बाद आपका दूना पैसा मिलेगा, इसीलिए हमने जमा कर दिया सर, इसीलिए उन्होंने कहा 3 साल के बाद आपका पैसा भुगतान मिल जाएगा सर, इसके बाद हमारा पैसा नहीं मिल रहा सर, हम लोग क्या करें? कितना दिन हुआ? ये तो हो गया 9 साल सर। 9 साल हो गया आपको पैसा नहीं मिला? नहीं सर। और कितने साल का बंड भरा था आपने? 8 साल का। तो इसकी शिकायत आपने जो है किया? जी। किससे किया? सुखदेव साहब से किया। नहीं, अगर उन्होंने नहीं सुना तो क्या FIR किया आप लोगों ने? FIR अब एजेंट लोग करें सर, हम लोग को क्या मालूम है, बहुत जल्द। क्या नाम बताया आपने? लीला होती सर।
आज महिला पुलिस थाना रिकाबगंज ने रिकाबगंज चौराहे पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें करीब 25 वाहनों का चालान किया गया एवं 1400 समन शुल्क वसूला गया। 14 समन शुल्क हो चुके हैं और कुल मिलाकर के 25। किस तरह गाड़ी आप लोग रोक रहे हैं? दोपहिया वाहन। कैसे? सभी प्रकार के वाहनों को जिसके पास रियल नहीं है या जिसके पास आरसी नहीं है, हेलमेट नहीं लगा के चल रहा है, जिनका इंश्योरेंस कम्प्लीट नहीं है, उन्हें रोका जा रहा है और सभी की चेकिंग हो रही है, चाहे वो महिला हो चाहे। फैजाबाद नगर के कोहिनूर पैलेस में परम पूज्य साईं बीर बलदास जी का वार्षिक महोत्सव व पूज्य साईं जी का 50वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने गुरु जी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश पंजवानी व किरण पंजवानी ने किया। भक्तों द्वारा भजनों की संध्या बिखेरी गई। भजन सुनकर व गाकर भक्त झूम उठे, भाव विभोर हो गए। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गोवर्धन मंदवानी, श्याम मंदवानी, सुशील मंदवानी, अजीत खिलवानी के साथ सैकड़ों की संख्या में सिंधु भक्तगण मौजूद रहे। से आगरा डबरा से आए हुए हैं, हर साल हम उनका वार्षिक मौका मनाते हैं। 15 नवंबर को इनका वार्षिक, 15 नवंबर को इनका जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन हुआ है और आज हम लोग रात 9 बजे ये 50वें जन्मदिन की शुरुआत कर रहे हैं। और अयोध्या वैसे भी संतों महात्माओं के लिए मानी गई है, हमारे फैजाबाद शहर में हमारे समाज के सभी संत लगभग हर माह आते रहते हैं और हर माह ये रहते हैं। क्या नाम है? जबरा के सिंह महाराज जी। कितने वर्ष हो रहा है ये? 15 साल से। आज मधुरवाई है, 15 साल से हर साल ही आते हैं और इनको आयुर्वेदिक की बहुत अच्छी जानकारी है। जबरा शहर में ये इनका बहुत बड़ा स्थान है और वहाँ पर ये फ्री ऑफ कास्ट दवाइयाँ देते हैं। बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं लेकिन फ्री ऑफ कास्ट देते हैं और आयुर्वेदिक के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी है। साकेत न्यूज चैनल बहुत अच्छा चैनल है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, समाज की हर अच्छी खबर हर समय जागे रहते हैं, ये लोग पहुँच जाते हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद। नमस्कार।